महाराष्ट्र में जारी अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद अभी थमा नहीं था कि उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी ने मंदिर में लाउड स्पीकर बंधवा कर मंगलवार से दिन में 5 बार हनुमान चालीसा शुरू करा दी, वो भी अजान के समय। इतना ही नहीं, हाथ में अजान वर्सेस हनुमान चालीसा के पोस्टर लेकर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। इसी के ही साथ हुई हिंदू जागरण मंच में ने शहर में मंदिरों के बाहर हनुमान चालीसा के पोस्टर भी बांटे हैं। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने शहर के मोहल्ला आवास विकास स्थित शिव मंदिर में लाउड स्पीकर लगवा कर हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन शुरू कर दिया है। हनुमान चालीसा का यह कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हनुमान चालीसा उसी समय पर होगी जब मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर के माध्यम से की जाती है। हिंदू जागरण मंच के इस कदम से विवाद बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम एक आदेश जारी किया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर से तेज आवाज में कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। जहां भी लाउड स्पीकर से कार्यक्रम होंगे उसकी आवाज इतनी होगी कि वो आवाज परिसर में ही रहे, उसके बाहर ना सुनाई दे। मुख्यमंत्री के आदेश के ठीक बाद हिंदू जागरण मंच के इस कदम से विवाद बढ़ गया है। प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता एक तरफ नहीं होनी चाहिए। गैर मुस्लिम बहुसंख्यक समाज आखिर क्यों मस्जिदों से अजान सुने, जिसमें अल्लाह को ही से पूजा जाता है। ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। साथ ही लाउड स्पीकर कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं, ये तो कुछ दशक पहले का आविष्कार है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरे हैं। जब प्रशासन कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करवा पा रहा, इसलिए हिंदू जागरण मंच मंदिरों से 5 बार हनुमान चालीसा बजवाएगा और ये जनपद के हर मंदिर तक हिंदू समाज द्वारा शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।